सुनो 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 रे सुनो, टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है सुपर समर सेल। जी हाँ, इस 19, 20 और 21 मई को टेक्स्टबुक आपके लिए लेकर आया है सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो अगर आप SSC, बैंकिंग, टीचिंग, UGC नेट, CSIR नेट, EPFO, स्टेट PSC, UPSC, डिफेंस, AJEE, GATE जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इस मौके का फायदा उठाइए। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इनरोल करिए टेक्स्टबुक के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग UGC नेट यूट्यूब चैनल। मायसेल्फ प्रीति और UGC नेट पेपर 1 फैकल्टी। सो आई होप एवरीवन इज फिट एंड फाइन। जस्ट टू कंफर्म अबाउट ऑडिबिलिटी, एवरीथिंग परफेक्ट। गिव मी कंफर्मेशन रिगार्डिंग ऑडियो वीडियो PPT। हाय प्रीति, रिंकल, सावित्री, हैप्पी, पल्लवी, प्रीति, आयशा। जस्ट टू कंफर्म सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा। चलिए, सो जैसे कि आपने इमेज में देखा है, टुडे वी विल डिस्कस कंप्लीट इनफॉर्मल फैलेसी का हम लोग रिवाइज करेंगे। दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग यूनिट। और एवरी टाइम इन एवरी शिफ्ट यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सो विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट एग्जाम्पल और एक्सप्लेनेशन हम सारे कंप्लीट टॉपिक को एक ही क्लास के अंदर रिवाइज करेंगे। तो फटाफट एक बार सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए, एंड अगर पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। राइट, हाय आशीष, मनीषा, गुड आफ्टरनून, गुड़िया, शर्मीन, शर्मिला, हैप्पी, वेरी गुड। तो मैक्सिमम आप लोगों को लाइक शेयर करना है, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी को बुला लीजिए। और जो पहली बार चैनल पे आया है, काइंडली नोट, मेरे जो क्लासेस रहती है फ्री क्लासेस 3 PM मंडे टू फ्राइडे यूट्यूब एंड 7 PM मंडे टू फ्राइडे फ्री मास्टर क्लास है टेक्स्ट बुक ऐप पे। अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किया है मेक श्योर आप इसको भी डाउनलोड कर लें। गुड आफ्टरनून नेहा, भाबनी, मनीषा, माया, हैप्पी, सीमा, वेरी गुड। चलिए, तो एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट कर लेते हैं जब तक स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं, और आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन। सपने अपलोड तो तुरंत हो जाते हैं, पर डाउनलोड करने में जिंदगी निकल जाती है। यही चीज होती है ना हमारी लाइफ के अंदर भी, सोचते हुए बहुत कुछ सपने देखते हैं, जागते हुए सोते हुए बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, नेट भी करना है, UPSC करना है, इतना पैसा कमाना है, इस तरीके का लाइफस्टाइल लेना है। अपलोड करने में कुछ नहीं लगता, बट जब उनको डाउनलोड करने की बारी आती है तो वो नेटवर्क एरर आ जाता है ना। कहीं पे एग्जाम क्रैक नहीं होता है, कहीं पे आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये डाउनलोडिंग वाला प्रोसेस है ना, ये हर बार एरर क्रिएट करता है। तो इसी एरर को कहीं पे यहाँ स्पाइवेयर बैठ जाते हैं, कहीं पे हैकर बैठ जाते हैं, तो इनके लिए आपको एंटीवायरस भी रखने पड़ेंगे अपने आसपास। तो डाउनलोड करने की कैपेबिलिटी अच्छी लगाइए, अपलोड तो कितना भी कर सकते हैं, डाउनलोड का डेटा अच्छा खासा आपके अंदर होना चाहिए, है ना। चलिए, तो कल के लिए रेडी हो जाइए। कल 4 आवर का मैराथन रहेगा ICT और टीचिंग एप्टीट्यूड। कंप्लीट ICT में कल आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। तो लिखा मैम आपको टीचिंग एप्टीट्यूड कवर कराएंगे। तो 10 बजे ये हमारा सेशन शुरू हो जाएगा। ओके, तो अभी से अपना रिमाइंडर सेट कर लेना, अपने काम पहले ही निपटा लेना, ताकि टाइम की पूरी क्लास को आप अटेंड कर पाए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। गुड आफ्टरनून राकेश, पूजा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? देवाशीष, सावित्री, हाँ इसमें भी ICT, लाइफ में भी ICT ही चलती है, क्योंकि हम 21st century के हैं, है ना, तो हर चीज डिजिटली चलती है। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। आंसर सभी स्टूडेंट्स करेंगे, गलत है, सही है, मैं एक एक ऑप्शन, एक एक फैलेसी आपको एक्सप्लेन करूंगी। सिर्फ ये लेक्चर कर लेना इनफॉर्मल फैलेसी के लिए, इसके अलावा आपको कुछ भी करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पक्का यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। चलिए, मैरी कॉम कोच से दैट शी हैज अ रियल गिफ्ट फॉर बॉक्सिंग, उनके पास मुक्केबाजी की वास्तविक प्रतिभा है। सो बिकॉज हर स्किल इज अ गिफ्ट शी डजंट डिजर्व एनी क्रेडिट फॉर इट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी एग्जिस्ट इन द अबव स्टेटमेंट। अपील टू अथॉरिटी, रेड हेरिंग, इक्विवोकेशन और बैगिंग द क्वेश्चन। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। मोहिनो, ये चीज मैं काफी बार करा चुकी हूं, और आई गेस आप क्लासेस के अंदर भी होते थे। नहीं प्रीति, आज के बाद फैलेसी में टेंशन नहीं होगा,
बिलीव करिए लास्ट में आप लोगों का ही फीडबैक होगा कि अब हम फैलेसी से नहीं डरते हैं, बट लेक्चर आप प्रॉपरली अटेंड करिए। चलिए तो इसका क्वेश्चन आपका करेक्ट क्या होगा, इक्विवोकेशन फैलेसी। अब मैं एक एक चीज आपको बताती हूँ चारों ऑप्शन को। मैरी कॉम के कोच ने क्या बोला, शी हैज अ रियल गिफ्ट फॉर बॉक्सिंग। यहाँ पे बोल दिया कि आपको क्या मिल क्या है, मुक्केबाजी की आपके अंदर एक वास्तविक प्रतिभा है, बता दिया। सो बिकॉज हर स्किल इज ए गिफ्ट शी डजंट डिजर्व एनी क्रेडिट फॉर इट। मतलब ये तो भगवान ने तुम्हें नॉर्मल से स्किल दे दी है तो आप इसके लिए बहुत बड़ा क्रेडिट नहीं करते। तो एक तो गिफ्ट आपका इधर किसके लिए है, रियल गिफ्ट के लिए। दूसरा क्या कर दिया, अभी भगवान ने ही तो दिया है, इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है। इस गिफ्ट को दो तरीके से प्रेजेंट कर दिया, और जब आप एक वर्ड के साथ मिसलीड करते हैं देन दैट विल बिकम योर इक्विवोकेशन फैलेसी। अब जैसे कि शादी का कार्ड है, शादी के कार्ड पे ये लिख दिया जाए कि आप घर रहिए, ठीक है, शादी में जरूर आना, और फिर आपको लिखा जाए नीचे स्टे होम स्टे सेफ, कोविड के टाइम की लाइंस है। तो आपको शादी में कार्ड के थ्रू बुलवाया गया है या सिर्फ आपको बोला गया है कि आप दान पेटीएम कर देना, गिफ्ट आप कोरियर करा देना, मतलब आपने क्या किया। वर्ड्स के साथ जब आप मिसलीड करते हैं उसको बोला जाता है इक्विवोकेशन फैलेसी, याद आया आपको। तो यहाँ पे गिफ्ट वर्ड ने क्या किया है, मिसलीड किया है, सभी का गलत था। उसके अलावा अपील टू ऑथोरिटी क्या होती है, व्हाट इज अपील टू ऑथोरिटी, देखो इसका थ्योरी देखना एक बार। फैलेसी अकर व्हेन आर्ग्यूमेंट इज प्रेजेंटेड विद एन ऑथोरिटी फिगर ओपिनियन एज एविडेंस। एक ऑथोरिटी है जिसको आप बहुत अच्छे से मानते हैं और हम ये मान के चलते भाई ये कैसे गलत बोल सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्सपर्ट है, एक हायर लेवल की ऑथोरिटी है। तो जब हम ऐसी ऑथोरिटी को कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक्ट्रेस है और ये इस पर्टिकुलर शैम्पू को यूज करती हैं, ये यूज करती है ना, तो हमारे माइंड में आएगा तो अगर ये करती है तो पक्का ये हमारा हेयर ग्रोथ भी अच्छा करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो ये होता आपकी अपील टू ऑथोरिटी, बात क्लियर, एनी डाउट। प्रांजिल आई एम एक्सप्लेनिंग इन हिंदी, पिक्चर को हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपका माइंड सेट ये मत करो कि हमें हिंदी के वर्ड्स दिखेंगे तभी आपको समझ आएगा। देन आता है एक और फैलेसी। अब यहाँ पे देखो दो फैलेसी मैं करवा चुकी हूँ, अपील टू ऑथोरिटी क्या होता है, इक्विवोकेशन। अब रेड हेरिंग और बैगिंग द क्वेश्चन क्या होता है। रेड हेरिंग फैलेसी ये एग्जाम्पल बेस्ट है। मम्मी को बच्चा बोलता है मम्मी आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो टॉय चाहिए है, बट मम्मी क्या बोलती है, हनी लेट्स रश होम यमी ट्रीट फॉर यू। मतलब यहाँ पर अटेंशन को क्या किया जाता है, रेड हेरिंग के अंदर अटेंशन आपका डाइवर्ट किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको डाइवर्ट किया जाता है, वो आपकी कहलाती है रेड हेरिंग फैलेसी। मदर ट्राइंग टू डाइवर्ट हर किड अटेंशन, याद हुआ सभी को, ध्यान भटकाना। हाँ बिल्कुल देवाशीष, अपील टू ऑथोरिटी का मतलब है ऑथोरिटी क्या करती है, एडवाइस करती है। सभी को स्टक है क्या। इसके अलावा अगर आपकी बात करूं, इक्विवोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं, और लास्ट आपके पास क्या बचता है, बैगिंग द क्वेश्चन। लास्ट फैलेसी क्या है, बैगिंग द क्वेश्चन। ये आपका कब अक्कर होगा, व्हेन कंक्लूजन इज अज्यूम टू बी ट्रू इन द आर्ग्यूमेंट प्रीमाइस। मतलब प्रीमाइस के अंदर ही आप कंक्लूजन को सच मान के बैठ जाते हैं। मैंने सिर्फ एक लाइन आपको दिखाया कि मर्डर इज ऑलवेज रॉन्ग, भी किसी का भी खून करना कि नैतिक तौर पे गलत है, हमें किसी का खून नहीं करना चाहिए। तो इसी प्रीमाइस को मान के, इसी कथन को मान के मैंने इसके कंक्लूजन को भी सच मान लिया कि देयर फॉर अबॉर्शन इज ऑल्सो मॉरली रॉन्ग। नाउ क्लियर प्राची, रिजोल्यूशन इंक्रीज करिए आपका वीडियो का एक बार, इस सेशन को लाइक शेयर करिए, ठीक है। लाइक शेयर आपने जरूर करना है, सेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज कॉल्ड योर बैगिंग द क्वेश्चन। यहां तक किसी को डाउट है यू कैन आस्क, पहले से ही कंक्लूजन को मान लेना। अगला क्वेश्चन बताइए, आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल फैलेसी। नो वन हैज एवर गिवन एन इनडुबिटेबल प्रूफ रिगार्डिंग इम्पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन प्लैनेट एक्स। मतलब उपग्रह एक्स पर जीवन की असंभावना के बारे में किसी ने अभी तक कोई भी असंदिग्ध प्रूफ नहीं दिया है।
सो वी कैन कंक्लूड दैट देयर इज अ लाइफ ऑन प्लैनेट एक्स, की प्लैनेट एक्स के ऊपर जीवन संभव है। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अभी और भी आएंगी, ठीक है, और भी फैलेसी आएंगी जिसको बार बार आप यूज करेंगे। वेरी गुड भूपेंद्र, शिप्रा, मुकुल, निक, सुब्रता, प्रीति, जगदीश, प्रियंका, शिवानी, यस। सो आंसर आपका क्या रहेगा? अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू इग्नोरेंस क्या होती है? अगर आप किसी चीज को प्रूव नहीं कर पाए, लेट सपोज मेरे पास किसी चीज को प्रूव करने का एविडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? जो एग्जिस्टिंग मुझे सामने दिखाई देता उसी को मैं क्या मान लूंगी कि यही सच है। लेट सपोज किसी ने 3-4 बार नेट को ट्राई किया, नेट अटेम्प्ट किया, है ना। अब किसी ने बोल दिया कि नेट क्या होता, हार्ड होता, इतना इजी एग्जाम नहीं है कि आप एक ही बार में क्वालिफाई कर लोगे, और 3-4 बार से आपसे भी क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो आपने मेहनत करना छोड़ दिया। ये चीज तो एडमिट नहीं की कि अगर मैं और ज्यादा मेहनत करता तो मेरा नेट हो सकता था। आपने उसी की बात को सच मान लिया, ठीक है। जब आपके पास एविडेंस नहीं होते हैं कि जो आपके सामने पड़ा है उसी को एडमिट करने के अलावा कोई आपका चारा नहीं है, देन यू विल कॉल इट अपील टू इग्नोरेंस। रेड हेरिंग फैलेसी क्या है? अटेंशन को डाइवर्ट करना। क्या किसी का ध्यान यहाँ पे डाइवर्ट किया? नहीं किया। स्ट्रोमैन फैलेसी क्या होता है? किसी की पोजीशन पे अटैक करना। अच्छा एक चीज बताती हूँ मैं आपको। मान लिया ये क्या आपका ग्लास है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, इसमें मैंने डाल दी स्ट्रो। कभी भी देखा आपने, स्ट्रो हमेशा ऐसे टेढ़ी जाएगी, ऐसे जाती है हमेशा। तो इसकी पोजीशन की क्या कर देना, पोजीशन को टेढ़ा कर देना, मतलब पोजीशन अटैक जो होता है, दैट इज स्ट्रो मैन फैलेसी। हमेशा सबसे ज्यादा ये कहाँ पर होता है? पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर ये अटैक सबसे ज्यादा होता है, ये फैलेसी क्रिएट होती है। हाँ जी, सो दिस आर्ग्यूमेंट सिंपली इग्नोर ए पर्सन एक्चुअल पोजीशन को ना जाने बिना उसको तो इग्नोर कर देता है और सब्स्टिट्यूट कर देता है उसकी डिसऑर्टेड और मिसरिप्रेजेंटेड वर्जन ऑफ दैट पोजीशन। फॉर एग्जांपल ये क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर पर्सन बोलता है, स्कूल लंच बजट मस्ट बी एग्जामिन टू कट आउट वेस्ट। स्कूल का बजट है, हमें वो क्या करना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए ताकि वेस्ट है उसको हम बचा पाए, ठीक है, वेस्टेज ना हो ताकि। लेकिन सामने क्या, सामने वाली पार्टी क्या बोलेगी, ये इंसान तो बच्चों को क्या मारना चाहता है, भूखा मारना चाहता है, हालांकि इनकी इंटेंशन है बजट को कंट्रोल करना ताकि वेस्टेज ना हो, बट इन्होंने इसकी पोजीशन पे अटैक किया। सो दिस इज स्ट्रॉ मैन फैलेसी। और अपील टू इन एप्रोप्रिएट फैलेसी क्या होता है? रिलाय ऑन एन ऑथोरिटी दैट इज नॉट रेलिवेंट और ट्रस्ट वर्दी इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं होती या ट्रस्ट वर्दी नहीं होती उस पर्टिकुलर सजेशन को देने के लिए। देर इज नो इंडिकेशन दैट एन इन अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी हैज बीन साइटेड टू सपोर्ट द कंक्लूजन। तो आपका वो क्या कहलाता है? इन अप्रोप्रिएट ऑथोरिटी। हाँ जी, स्टक तो नहीं है ना, प्रॉपर है क्लास तो। गुड आफ्टरनून अजीज, स्टक तो नहीं है ना? ओके ना, ओके मेरे ख्याल से। थैंक यू नेहा। चल हाँ, इसको दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है? अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी। अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी। अगला क्वेश्चन बताइए। अभी तक हम 6-7 फैलेसी कर चुके हैं, 15 से 18 की फैलेसी हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। हाँ बिल्कुल जगदीश ने देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। सचिन तेंदुलकर अगर एडवाइस करते हैं कि आप पर्टिकुलर एबीसी मेडिसिन को लेंगे तो आप अच्छा फील करेंगे, तो ही इज नॉट ए राइट ऑथोरिटी, वो क्या है? अनक्वालिफाइड ऑथोरिटी है। बार बार सभी को स्ट्रक है क्या? भी लाइक शेयर करिए सेशन को, देखो अभी तक सिर्फ 115 बच्चे हैं।
सो द लास्ट टाइम आई स्ट्रेच माई आर्म्स फर्स्ट एंड माई लेग सेकेंड, पहले मैंने आर्म्स को स्ट्रेच किया फिर मैंने अपने लेग्स को किया. आई वन माई रेस, मैं अपनी रेस जीत गया. सो दैट स्ट्रेचिंग सीक्वेंस मस्ट हैव इंक्रीज माई स्पीड, मतलब सीक्वेंस जो स्ट्रेचिंग की मैंने रखी है कि पहले आर्म्स को किया फिर मैंने लेग्स को किया, इस वजह से मेरी स्पीड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है. तो इस फैलेसी को हम बोलेंगे पोस्ट हॉक फैलेसी. क्या होती है पोस्ट हॉक फैलेसी? जब आप, इसी का दूसरा नाम क्या है, एर्गो प्रोपेटर हुक. ये आपको नाम ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसको फॉल्स कोज. जब आपके पास कोई भी एग्जाम्पल होता है कि आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस, मतलब ऐसा कोई सीन हो कि मैंने ऐसा किया था और आफ्टर दिस मेरे साथ ऐसा हुआ. उसने क्या बोला था, पहले मैंने आर्म्स को स्ट्रेच किया फिर मैंने लेग्स को किया और उसके बाद में रेस को जीत गया. तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन दिखाई दे देन वी कॉल इट पोस्ट हॉक फैलेसी. ठीक है, अगर स्लिपरी स्लोप, अब इसी में एग्जांपल बोल रखा है स्लिपरी स्लोप, ये फैलेसी कौन सी होती है, जब आपका ये लगा लीजिए राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना जिसको हम लेमैन भाषा में बोलते हैं, राई का पहाड़ बनाना, मतलब लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉजेस, लॉन्ग सीरीज ऑफ कॉजेस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है. जैसे कि स्कूल इज किलिंग अस, बोला कि स्कूलों ने स्कूल जो है हमें मार रहे हैं. कैसे? टेक्स्ट बुक आर मेड फ्रॉम पेपर, टेक्स्ट बुक पेपर से बनती हैं. पेपर मेड फ्रॉम ट्री, पेपर ट्री से बनते हैं. वी नीड ट्री फ्रॉम ट्री से हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए है. तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो बच्चे क्या है, स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो मर जाएंगे. तो क्या क्या, एक छोटी सी बात का क्या बनाना, बढ़ा चढ़ा के प्रेजेंट करना, वो क्या होता है, स्लिपरी स्लोप फैलेसी. पोस्ट हॉक करा चुकी, स्लिपरी स्लोप हमारा हो चुका, अब बचता है फॉल्स ऑल्टरनेटिव और हैस्टी जनरलाइजेशन फैलेसी. फॉल्स ऑल्टरनेटिव किसको बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, या फिर ईदर और फैलेसी, सब इसी के नाम है. बातें क्लियर? हाँ, ये की पॉइंट था. अभी तीन चार, दो तीन ही क्वेश्चन हुए मेरे ख्याल से, सेकेंड क्वेश्चन है जी. तो ब्लैक और व्हाइट फैलेसी की बात करें, ईदर और फैलेसी की बात करें, आपका ये क्या कहलाता है, जब आपके पास ऑप्शंस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ऑप्शन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए. देखो सबसे अच्छा सा एग्जांपल बताती हूँ, ये क्या बोलती है कि या तो मुझे 10,000 की आज ही शॉपिंग करवाओ. इसको माल्या बोलती है, या तो मुझे 10,000 की आज ही शॉपिंग कराओ वरना मैं कहाँ चली जाऊंगी, मायके चली जाऊंगी. तो उसके पास दो ही रास्ते, या तो शॉपिंग करवा दो या फिर उसको मायके जाने दो, तीसरी तो पिक्चर नहीं आई ना. तो ये आपकी फैलेसी कहलाएगी ब्लैक एंड व्हाइट फैलेसी, जबकि और भी ऑप्शन है हमारे पास, या तो मैं नेट करूंगी या मैं टेट करूंगी. नेट टेट होता नहीं है, बाकी चीजें मुझे करनी नहीं है. तो वो जब आप दो चीजों में स्टक हो जाए, तीसरी आपको दिखाई ही ना दे. नाउ क्लियर? ओके वैशाली, बिल्कुल. और हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होता है, हैस्टी मतलब एक तरीके से जब जल्दबाजी में आप किसी चीज को कंक्लूड कर लेते हैं, कंक्लूजन जल्दबाजी में. और ये किसका ऑपोजिट होता है, ऑपोजिट ऑफ एक्सीडेंट. मायके जाने देंगे, ओके चलो ठीक है. टेकिंग, ये तो फिर टाइम ही बताएगा. टेकिंग ए स्मॉल और नॉन रेंडम सैंपल टू मेक कंक्लूजन अबाउट ए पॉपुलेशन, आपके पास छोटा सैंपल है, वी हैव ए स्मॉल सैंपल. अब सैंपल अगर छोटा है तो कंक्लूजन भी आपके पास बहुत अच्छा नहीं आएगा. 100 बच्चों को आप लोगों ने जज करना है, सिर्फ 2 बच्चे एज ए सैंपल के तौर के सैंपल के तौर पे आपके सामने आते हैं, तो वी डोंट हैव फाइन रिजल्ट, हमारे पास अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे. सिर्फ 2 बच्चों के बिहाफ पे वी कांट एनालाइज 100 स्टूडेंट्स. सो दैट्स वाई जब छोटे सैंपल के तौर पे आपको कंक्लूड करना है, वी कॉल इट हैस्टी जनरलाइजेशन. और सिंपल शब्दों में, जब हम जल्दबाजी में किसी चीज को कंक्लूड कर लेते हैं. नाउ क्लियर? चलो अब छोटा सा एक इंफॉर्मेशन है, यूजीसी नेट का सुपर आपका समर सेल आया हुआ है, 19 से 21 तक ये सेल है, जिसमें 3519 के अंदर आपको 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलेगा. तो क्रैश कोर्स है, कंप्लीट कोर्स जो रिकॉर्डेड है, सारा कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं. अभी 22 से क्रैश कोर्स है पेपर 1 का, तो प्रीति एच कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर डिस्काउंट ऑल्सो. दिस इज द कूपन कोड. हाँ जी, अगला क्वेश्चन. यस कृति, बिल्कुल.
कॉन्सेंट्रेट करिए अब, ठीक है. कंसिडरिंग द स्पीच गिवन बाय द स्कूल प्रिंसिपल टूडे आई वुड कंक्लूड दैट ही इज नॉट ए गुड पब्लिक स्पीकर, कि वो बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर नहीं है. आइडेंटिफाई द इनफॉर्मल फैलसी. स्लिपरी स्लोप, राई का पहाड़ बनाया. अब ऑप्शन को खुद एलिमिनेट करो. एड ओमिनम, अपील टू फोर्स या हैस्टी जर्नलाइजेशन. वेरी गुड राफिया. वेल डन. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर, किस पे अटैक किया? देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं. पहली चीज आई नो एड ओमिनम है, बट इसका बेस्ट आंसर क्या रहेगा? हैस्टी जर्नलाइजेशन रहेगा. स्कूल प्रिंसिपल टूडे आई वुड सॉरी स्कूल की प्रिंसिपल ने क्या दिया है? स्पीच दिया है. कंक्लूड क्या कर दिया? कि वो अच्छी स्पीकर नहीं है. एक स्पीच के बिहाफ पे उनके पूरे स्पीकर को, मतलब पूरा की पब्लिक स्पीकिंग उनकी कैसे, उसको कंक्लूड कर दिया. तो आपने क्या लिया? जल्दबाजी में डिसीजन लिया ना. अब हो सकता है, देखो काफी बार क्या होता है, किसी क्लास के अंदर हम कम एनर्जेटिक होते हैं, हो सकता है कि किसी वजह से हम थोड़ा डाउन फील है ना. तो एक ही क्लास के बिहाफ पे किसी किसी टीचर को जज करके जाना कि अच्छा टीच करती है नहीं करती है, सो वो क्या है? हैस्टी जर्नलाइजेशन फैलेसी है. नाउ क्लियर क्यों है ये? मुझे पता था आप जल्दबाजी में इस क्वेश्चन पे यही करेंगे. एड ओमिनम क्या, स्लिपरी स्लोप में करा चुकी हूं आपको. एड ओमिनम क्या होता है? अटैकिंग द पर्सन रादर देन देयर आर्ग्यूमेंट. दो फैलेसी मैंने कराई है, एक है आपका एड ओमिनम और एक है हमारे पास स्ट्रो मैन फैलेसी. दोनों में क्या फर्क है? इधर किया जाता है पर्सनल अटैक. यहां पे कैसा अटैक है? पर्सनल. यहां पे पोजिशनल अटैक किया जाता है. ठीक है, पर्सनल अटैक में क्या आ सकता है? उसके जेंडर पे हो सकता है, उसके रिलीजन पे हो सकता है ना, शक्ल सूरत पे हो सकता है, कैरेक्टर के ऊपर हो सकता है. तो पर्सनल अटैक हो जाएगा एड ओमिनम. फॉर एग्जांपल जैसे जूही चावला हैं, वो केश किंग की एड करते हैं. अभी रिसेंट में काफी सालों पहले जब ये शुरू शुरू में आया था, तब वो उनपे पर्सनल अटैक भी ये किए जाते थे कि भाई बाल लंबे नहीं है, मतलब आप समझ चुके इस चीज को. ठीक है, तो वो वाला सीन आपका एड ओमिनम फैलेसी में भी, किसी का प्रोफेशन अलग चीज है, पर्सनल अटैक डिफरेंट आ जाएगा. स्ट्रोमैन क्या है? पोजीशन, कि ये पार्टी तो हमारे देश की इकोनॉमी को गिरा देगी. ये सबसे ज्यादा कहां पे होता है? पॉलिटिकल पार्टी में. ठीक है, हाँ तो आप समझ चुके हैं सारा. देन आ जाता है अपील टू फोर्स, अगली फैलेसी जो हमारे ऑप्शन में दी गई थी. अपील टू फोर्स, अपील टू फोर्स है डर के, कहते हैं डर के आगे भूत भी नाचता है ना. तो यही काम यहाँ पे है. आर्ग्यूमेंट एड बकलम इसका दूसरा नाम है. अपील टू द स्टिक भी बोला जाता है. अब स्टिक सामने दिखाई देगी तो काम तो भाग भाग के करेंगे. तो यहाँ क्या किया जाता? थ्रेट का यूज किया जाता, थ्रेट ऑफ फोर्स टू मेक समवन एक्सेप्ट योर ओपिनियन. डॉली कभी भी मिक्स नहीं होगा. फैलेसी का नाम लिखो, उसका कीवर्ड लिखो, एग्जाम्पल लिखो. मुश्किल से एक या दो पेज पे आपके नोट्स बनेंगे और 10 बार रिवाइज करेंगे तो आपका ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा टॉपिक बन जाएगा. हाँ, तो डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू. तो यहाँ पे थ्रेट या फोर्स का हम लोग यूज करते हैं अपने पोजीशन को या अपने व्यूज को एक्सेप्ट कराना. अक्सर भाई बहन में हो जाता है कि या तो मेरा ये काम कर दो, या तो मेरी बात मान जा, वरना तेरा सीक्रेट मैं पापा को बताऊंगी, मम्मी को बताऊंगी. ठीक है, अगला क्वेश्चन. इस सेशन को लाइक शेयर करिए, लास्ट तक 200 का टारगेट और अभी 93 लाइक हुए हैं आज. कंप्लीट इनफॉर्मल फैलेसी, इससे बाहर करने का कवर करने का जरूरत नहीं है, ये बहुत है आपके लिए टॉपिक पेपर वन के लिए. एड ओमिनम होता है पर्सनल अटैक करना किसी के ऊपर. गुड आफ्टरनून दीप सुधा. चलो, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द बीटल वर द बेस्ट रॉक ग्रुप ऑफ द 1960s. जो बीटल्स 1960 के दशक का क्या है, इंपॉर्टेंट और अच्छा ग्रुप माना जाता है. सिंस दे सोल्ड मोर रिकॉर्ड, ठीक है, उन्होंने काफी रिकॉर्ड्स क्या किए हैं अपने डाले हैं
देन एनी अदर रॉक बैंड, बाकी अदर रॉक बैंड के कंपैरिजन में। तो क्या हो गया, क्या यहाँ पे किसी चीज का भटकाव किया? नहीं ना। क्या यहाँ पे डबल मीनिंग बातें की? नहीं। क्या यहाँ पे बैगिंग द क्वेश्चन हुआ? नो। तो यहाँ पे मोर रिकॉर्ड आया है, तो आपका क्या है, इट्स योर अपील टू मेजोरिटी। ठीक है, अपील टू मेजोरिटी। नाउ क्लियर। अगला क्वेश्चन, जी हाँ। सो 30 सेकेंड है। आपको बोला गया है, नो वन हैज शोन दैट एलियंस डिडंट क्रिएट द क्रॉप सर्कल, फसल वृत्तों को नहीं बनाया है, सो क्रॉप सर्कल मस्ट हैव बीन मेड बाय द एलियंस। किसी ने ये चीज नहीं प्रूव की। अब एविडेंस नहीं है, तो एविडेंस की कमी वाला कौन सा आपका फैलेसी होता है? एविडेंस की कमी है। मेजोरिटी ने ठीक आंसर किया है, इट्स ऑप्शन बी, अपील टू इग्नोरेंस। ठीक है, जब आपके पास सबूत की कमी है, एविडेंस की कमी की वजह से जो आपके सामने आपको दिखाई दिया उसी को आपने मान लिया, सो इट्स अपील टू इग्नोरेंस। ऑथोरिटी नहीं है। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ फैलेसी जो एक्सीडेंट की क्या होती है। अप्लाइंग ए जर्नल रूल टू ए केस दैट इट डज नॉट अप्लाई टू, मतलब इसी को हेस्टी जर्नलाइजेशन का क्या बोलते हैं, अपोजिट, अपोजिट ऑफ हेस्टी जर्नलाइजेशन। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन, विच इनफॉर्मल लॉजिकल फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इफ यू गिव हिम इन इंच ही विल टेक ए माइल। अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप उसे 1 इंच दोगे तो वह आपको 1 मील ले, वह 1 मील ले लेगा। ओके अनु। हाँ जी पूजा, आईसीटी भी कल ऐसे ही करेंगे, कंप्लीट सिलेबस जिसके अंदर आ जाए, इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, टॉपिक भी पता चल जाए और क्वेश्चन भी पता चल जाए। वेरी गुड। परफेक्ट। तो देखो, इंच से आप किस पे चले गए, माइल पे चले गए, मतलब छोटे से बड़े पे चले गए, है ना, छोटी सी बात का बहुत बड़ा कर देना। तो ये क्या था आपका, स्लिपरी स्लोप था, है ना। क्या यहाँ पे कोई फोर्स की बात की, क्या कोई ऑथोरिटी है, क्या कोई जल्दबाजी में डिसीजन लिया, तो ऑप्शन तो एटलीस्ट एलिमिनेट कर सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन, इनफॉर्मल फैलेसी इज वन दैट मे बी आइडेंटिफाई थ्रू मियर इंस्पेक्शन ऑफ द फॉर्म और स्ट्रक्चर, और फॉर्मल फैलेसी कैन बी डिटेक्टेड थ्रू कॉन्टेंट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। राई का पहाड़। परफेक्ट मनीषा। कात्यानी, थोड़ा बेस्ट को आपको पिक करना पड़ेगा, ऐसे तो चारों ऑप्शंस में जबरदस्ती अगर घुसोगे ना, जबरदस्ती ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम करोगे तो सारे ही ऑप्शन लगेंगे हमें। बोथ आर ट्रू। आपने ध्यान से नहीं देखा। डॉली वो तुलिका मैम लेंगे। चलो, मोस्ट काफी बच्चों ने यहाँ पे गलत किया है, जिसने भी करेक्ट बोला है उनका गलत आंसर है। जो फॉर्मल फैलसी, दो फैलसी आपने सुना है, एक फॉर्मल है, वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलसी होती है फॉर्म या फिर स्ट्रक्चर की फैलसी। ठीक है, फॉर्मल, FORM, फॉर्म से याद रखो, फॉर्म या स्ट्रक्चर। तो ये बताओ फॉर्मल फैलसी क्या इसने स्ट्रक्चर की बोली है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी, इनफॉर्मल फैलेसी क्या होगी, कंटेंट की फैलेसी, जब आपके कंटेंट में प्रॉब्लम होता है। तो इनफॉर्मल फैलेसी उल्टा दे दिया, फॉर्म और स्ट्रक्चर, तो ये इसका डेफिनेशन है और ये इसका डेफिनेशन है, दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नोबडी हैज इवन प्रूव दैट इमोरल बिहेवियर बाय इलेक्टेड ऑफिशियल्स इरोड्स पब्लिक मोर्टेलिटी, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट सच बिहेवियर डजंट इरोड पब्लिक मोर्टेलिटी। दोनों जाएगा गरिमा, थ्योरी एमसीक्यू दोनों है।
सोनी, उसके अंदर भी जो 100% श्योर टॉपिक्स हैं उनका सभी का रैपिड रिवीजन जाएगा बूस्टर कोर्स के अंदर। कौन सा फैलेसी रहेगा? अपील टू फोर्स, पिटी, इग्नोरेंस, अपील टू द पीपल। वेरी गुड, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं 23 के अंदर, 22 के अंदर। अपील टू इग्नोरेंस पे बहुत क्वेश्चन बने हुए हैं कि जिस चीज में बार बार मैंने बताया, जब किसी चीज का अभाव आपको मिलता है तो सामने पड़ी चीज को ही एडमिट करना पड़ता है ना, तो वो कहलाती है आपकी अपील टू इग्नोरेंस। अपील टू पिटी क्या होता है? देखो तीन होता है आपका, ये वन इज अपील टू ऑथोरिटी, तीनों में डिफरेंस देखो। अदर इज अपील टू पिटी एंड अपील टू फोर्स। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं काफी। यहां पर ऑथोरिटी में क्या होता है? कोई ऑथोरिटी आपको ओपिनियन देती है, कोई भी ऑथोरिटी हो सकती है जिसको आप मानते हैं, वो जस्ट आपको ओपिनियन या फिर एडवाइस करती है। पिटी के अंदर हम लोग यहां पर क्या करते हैं? सिंपैथी करते हैं, बैगिंग करते हैं। लेट सपोज कि कोई बच्चा गरीब है तो इसको प्राइम मिनिस्टर बना दो, ये बेचारा बच्चा पूरा दिन जॉब करता है तो एनटीए प्लीज इसका जेआरएफ क्लियर कर दो, है ना। तो यहां पर आप क्या क्या चीज को दिखाते हैं? बैगिंग को करते हैं, सिंपैथी करते हैं। और अपील टू फोर्स के अंदर आप फोर्सफुली किसी काम को कराते हैं या फिर थ्रेट का यूज करते हैं। नाउ क्लियर, दोनों में क्या डिफरेंस है? गुड, सो एग्जाम्पल भी दे रखे अपील टू पिटी का, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। और अपील टू द पीपल, ये एक आपका एक्स्ट्रा जो ऑप्शन में दे रखा है, तो इसमें भी अगर कंफ्यूज इन केस आ जाए, फैलेसी कहाँ पे यूज होगी? दिस फैलेसी यूज अवर डिजायर ऑफ वांटिंग टू बी लव, एडमायर, एस्टीम, वैल्यू, रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्टेड बाय अदर, दूसरे इन चीजों को एक्सेप्ट करें, टू मेक अस कंसीड टू ए पॉइंट और कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन। ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। बातें क्लियर? बाकी एग्जाम्पल आगे आएगा उससे और ज्यादा बेटर क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिसी सजेस्टेड बाय हिम हैव नो मैरिट सिंस ही वाज वंस चार्ज्ड विद एम्बेजलमेंट। उन्होंने जो नीतियां सुझाई हैं उनमें कोई भी अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि वो एक बार व्यपहरण के आरोप के अंदर फंस चुके हैं, उनके ऊपर ये आरोप लग चुका है। हाँ, इट इज रिलेटेड टू अफेक्शन, आप ये बोल सकते हैं जगदीश। डोली, हर क्वेश्चन में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हर ऑप्शन का। और ये टाइम है दोनों चीजें आपकी साथ साथ चले, थ्योरी पीवाईक्यू चले, अकेला वो नहीं कर सकते हम लोग। वेरी गुड, सो क्या है? इट्स आर्ग्यूमेंटम एड ओमिनम। अच्छा, ये बोला जाता है कि आप ना मैथ्स में अच्छे नहीं हो सकते, आप मैथ में अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि आपके पापा मैथ्स में फेल हैं, आपके पापा मैथ्स में फेल हैं। तो कैसा अटैक है ये, पर्सनल या पोजिशनल? दिस इज पर्सनल अटैक। भी बच्चे की काबिलियत का और मैथ्स में उसके पापा का फेल होने का क्या लिंक है? तो ये कैसा अटैक कर दिया? पर्सनल अटैक कर दिया। तो इन्होंने भी ये बोला कि क्योंकि वो इस व्यापरण का आरोप के अंदर फंस चुके हैं, उन पे लग चुका है, तो वो जो नीतियां बताएंगे ना वो अच्छी नहीं होंगी। सो इट इज आर्ग्यूमेंटम एड ओमिनम, पर्सनल अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट क्रिकेटर सुधीर सेज दैट मेडी सुल्फा सोप आर गुड फॉर हेल्थ, सो वी मस्ट देयर फोर मस्ट बिलीव दैट इट मस्ट बी ट्रू इंडेड। उन्होंने बोला तो सही होना चाहिए, तो कौन सी फैलेसी है? स्ट्रॉमैन, अनक्वालिफाइड अथॉरिटी, स्लिपरी स्लोप और अपील टू इग्नोरेंस। कृति, कल तो टीचिंग और आईसीटी एक एक यूनिट, दो दो यूनिट उठाएंगे, मतलब एक तुलिका मैम एक मैम, ताकि आपको भी कन्वीनियंट रहे और रिजल्ट ओरिएंटेड भी रहे, क्योंकि जितना ज्यादा एक ही बार में कंटेंट उठाएंगे फिर वो बच्चा इतना कर नहीं पाता है। वेरी गुड, सो क्रिकेटर हैं, सजेस्ट क्या करते हैं कि इस सोप से आप लोग क्या करो, ये अच्छा है हेल्थ के लिए, तो क्या ये एक प्रॉपर ऑथोरिटी है? ठीक है,
अगर क्रिकेटर बोल मैं बोल दूं कि जब भी आपको ना पेट दर्द हो, जब भी आपको बुखार हो तो पैरासीटामोल ले लेना, है ना? तो क्या मैं एक प्रॉपर अथॉरिटी हूँ? आई एम नॉट ए प्रॉपर अथॉरिटी। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ कि जो मुझे इन चीजों की सही जानकारी हो। तो ये क्या है? अनक्वालिफाइड अथॉरिटी है। हाँ, अभिषेक ने सही है कि लक्स लगाओ फिर स्किन पाओ, पता चले खराब ही हो जाए, है ना? ऑफ कोर्स यू वांट टू बाय अ गोल्डन पियर ब्रांड फोन। गोल्डन पियर फोन लुक गुड इन वंस हैंड एंड ऑल द बॉलीवुड स्टार कैन बी सीन कैरिंग दैम दीज डेज। तो कौन सी फैलसी है बताइए? रेड हेरिंग, फैलसी ऑफ एक्सीडेंट, अपील टू फोर्स, अपील टू पीपल। यस गरिमा, थैंक यू शिवानी। इस सेशन को देखो, लाइक शेयर करो, अभी तक सिर्फ 102 लाइक है। और कल की मैराथन में देखना आईसीटी का कितना 360 डिग्री हम लोग करेंगे। जी, सो इट्स अपील टू पीपल और आर्ग्यूमेंटम एड ए पॉपुलम। स्टार्स ने देखो इसका कीवर्ड क्या है, एड पॉपुलम, मतलब पॉपुलर लोगों ने ऐड किया तो हम लोगों ने उस चीज को मान लिया। तो अपील टू पीपल आपका क्या आ जाता है, इसी में काउंट किया जाता है। यू वांट टू बाय गोल्डन पियर ब्रांड फोन, ये आपका जो हर किसी के हाथों में अच्छा लगता है, ठीक है? और सभी बॉलीवुड स्टार्स इसको यूज भी करते हैं। हाँ, एक्चुअली में उनका पोस्टमार्टम करेंगे कल। टाइप ऑफ फैलेसी एंड देयर डिस्क्रिप्शन। सेशन के बाद मैं कल वाला फाइल शेयर कर दूंगी, तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। कल हायर एजुकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट और एवरी टाइम रिपीटेड। एंड जो हमारा कोर्स है वो 22 मई से शुरू होने वाला है, तो जो पेड स्टूडेंट है वो एनरोल कर लीजिए, और जो अनपेड है और चाहते हैं कि लास्ट मिनट पे अच्छा और प्रिपेयर हो जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अभी सेल भी है। जी, तो एड ओमिनम क्या किया, पर्सनल अटैक किया, ठीक है? एम्बिग्यूटी एलिमिनेट कर लेते हैं इसको। एम्बिग्यूटी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, मतलब जब आप एक से ज्यादा मीनिंग क्रिएट करते हैं। ये कौन सी फैलसी होती है? इक्विवोकेशन, इसी को हम बोलते हैं इक्विवोकेशन। बी का वन, बी का वन कहाँ बैठा है? यहाँ पे, सभी में बैठा। वैसे तो स्ट्रोमैन फैलसी में क्या करते हैं, हम किसी की पोजिशन पे अटैक करते हैं, ठीक है? तो ये हार्मलेस, लाइफलेस, केयर करो, ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। डी का फोर्थ है आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, ठीक है? आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम बोला है, ये अभी हम लोगों ने किया है अपील टू पीपल। सी का थर्ड, तो सी का थर्ड आपका एक ही ऑप्शन में था। हाँ जी, आई नो ही इज ए क्रिमिनल बट आई फॉरगेव हिम बिकॉज ही इज वेरी पुअर। मैं जानता हूं कि वो क्रिमिनल है, अब क्योंकि वो गरीब है इसलिए मैंने उसको माफ कर दिया। वेरी गुड। हाँ, दया करना, बिल्कुल दीपांकर, करेक्ट। ऐसे ही आपको कैच करना है, ठीक है? उसको माफ कर दिया, अब क्रिमिनल भी है और वो गरीब करके उसको माफ कर दिया, तो क्या किया उसके ऊपर? दया दिखाई ना, है ना? तो इट इज योर अपील टू पिटी। हाँ जी, वी कांट अप्रूव ऑफ दिस रिसाइकलिंग आइडिया। इट वॉज थॉट ऑफ बाई बंच ऑफ हिपी कम्युनिस्ट वेयर्डर्स, वेयर्डर्स, देर इज ए फैलेसी ऑफ, बताइए कौन सा होगा? हम इस पुनरावृत्ति विचार को स्वीकार नहीं कर सकते, यह हिप्पी साम्यवादी मनमोजियों के एक समूह द्वारा सोचा गया था। तो कैसा फैलेसी है ये? ओमिनम, पॉपुलम, मिजरिकॉर्डियम और बकलम, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हैं, अभी पुराने जो बार बार हम लोगों ने किए हुए थे ना वो क्वेश्चन नहीं, ये सारे मोस्टली मैंने नए क्वेश्चंस उठाए हैं, एमसीक्यूज को भी इंक्लूड किया है। तो
तो आई नो यहाँ पे कुछ बच्चों ने डी आंसर दिया, वो शायद बंच ऑफ हिप्पी करके शायद हो सकता आप लोगों ने पकड़ लिया हो, बट देखो किसी के ऊपर यहाँ पर्सनल अटैक किया है कि हम इस आइडिया को अप्रूव नहीं करेंगे क्योंकि ये किनका थॉट है, हिप्पी कॉम्युनिस्ट का, हिप्पी साम्यवादियों का है, तो इसलिए हमें नहीं अप्रूव करना इसको, रिसाइकलिंग आइडिया को। तो ऐसी कम्युनिटी पे, रिलीजन पे, जेंडर पे, ये क्या हो जाता है, आपका पर्सनल अटैक हो जाता है क्योंकि उन्होंने दिया है तो इसलिए हम नहीं करते, तो इट इज एड ऑमिनम। क्लियर? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैलेसी इज एन अटेम्प्ट टू प्रोटेक्ट वंस क्लेम फ्रॉम एनी पोटेंशियल रेपुटेशन एंड दस प्रिजर्व देयर एग्जिस्टिंग बिलीफ, एड पॉपुलम, ऑमिनम, एडॉक, मिसरिकॉर्डियम। ये लाइक शेयर करते रहिए सेशन को, और पहली बार आए हैं देन डू सब्सक्राइब द सेम। कल मैराथन है और मैराथन में एटलीस्ट 100+ लाइक सेशन से पहले ही होने चाहिए। गुड शिप्रा। हाँ, क्योंकि कम्युनिटी पे अटैक हुआ है। जी, सो इट्स एडॉक फैलेसी नहीं है, इसका क्वेश्चन आई गेस पहली बार आया है आपका एडॉक का। तो एडॉक फैलेसी क्या होती है, इट्स नॉट रियली ए लॉजिकल फैलेसी। अगर एक्चुअली मैं बात करूँ तो ये कोई आपकी वास्तविक में फैलेसी नहीं है, बट यहाँ पर एक रिहॉट्रिकल स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है, ठीक है, जो कॉमन होती है और मुश्किल सी होती है। मतलब ये एक्चुअली में फैलेसी नहीं है, बट इसका नेचर कैसा होता है, रिहॉट्रिकल। ठीक है, कैसी स्ट्रेटजी बताई है मैंने, रिहॉट्रिकल है, इन विच अ पर्सन प्रेजेंट ए न्यू एक्सप्लेनेशन, एक नई ही एक्सप्लेनेशन बताता है, दैट इज अनजस्टिफाइड, जो कि अनजस्टिफाइड और सिंपली अनरीजनेबल रहती है, और वाई ऑफ वाई देयर ओरिजिनल बिलीफ और हाइपोथेसिस इज करेक्ट, ये बताया जाता है कि वो क्यों करेक्ट है आफ्टर एविडेंस दैट कॉन्ट्रेडिक्ट विद द प्रीवियस एक्सप्लेनेशन। वो क्या करते हैं, आपस में प्रीवियस एक्सप्लेनेशन के साथ कॉन्ट्रेडिक्ट भी करते हैं। तो ये आपका बस रिहॉट्रिकल कल्चर से अपनी चीजों को कन्विंस कराना, तो इसको बोला जाता है अडॉक फैलेसी। प्रॉपरली ये फैलेसी में नहीं आता वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्ल शुड कम फर्स्ट बिकॉज शी इज ए क्यूट एंड ब्यूटीफुल। एड बकलम फैलेसी इसके बाद बताती हूँ। अपील टू फोर्स को ही बोला जाता है एड बकलम फैलेसी। जी हाँ, सो द गर्ल शुड कम फर्स्ट बिकॉज शी इज क्यूट एंड ब्यूटीफुल। ठीक है, ये इस लड़की को पहले आना चाहिए क्योंकि ये वह प्यारी और सुंदर है। देखो ना, तो यहाँ पे एड ओमिनम है। अब बताती हूँ ये ऑप्शन हमने क्यों रखा है, सी ऑप्शन। ऑप्शंस को एलिमिनेट करो क्योंकि हमारे पास इसके अलावा चॉइस नहीं है। ना तो कोई पर्सनल अटैक है, ना ही यहाँ पे कोई अनजस्टिफाइड सी चीज बोली गई है, ठीक है, भी रिहॉट्रिकल तरीके से बात किया हो, ना ही यहाँ पे पिटी वाला काम किया है, तो बचा क्या ऑप्शन, एड पॉपुलम। तो काफी बार आपको लगेगा कि ये ऑप्शन कैसे हो सकता है, तो सिर्फ ऑप्शन के अकॉर्डिंग एलिमिनेट करो और दी बेस्ट को पिक करो। तो किसी बच्चे ने बोला है आर्ग्यूमेंटम एड बक्कलम कौन सा फैलसी है, एड बक्कलम किसका दूसरा नाम है, ये अपील टू फोर्स का। तो जब आप फोर्स या थ्रेट के बिहाफ पे कोई आर्गुमेंट को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो कहलाता है आपका एड बक्कलम या अपील टू फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू से यू वॉन्ट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, बट डू यू वॉन्ट टू फ्री ऑल द क्रिमिनल्स, तो बताइए क्या होगा, स्ट्रॉमैन, आर्ग्यूमेंटम एड पॉपुलम, ओमिनम, रेड हेरिंग। मिजरिकॉर्डियम अपील टू पिटी है आपका, मिजरी, मिजरी क्या होता है, दया, तो अपील टू पिटी को ही बोलते हैं आर्ग्यूमेंटम एड मिजरिकॉर्डियम। सो
सो यू से यू वॉन्ट टू रिफॉर्म द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, आप कहते हैं कि आप आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार करना चाहते हैं, तो क्या आप सभी अपराधियों को मुक्त कर देंगे? जैसे वो एग्जाम्पल दिया था ना कि हमें अपना स्कूल के बजट को क्या करना है, वेस्ट को कम करने के लिए कट करना पड़ेगा, तो दूसरा इंसान बोलता है अच्छा आप बच्चों को भूखा मारना चाहते हैं, तो ये आपका है पोजिशनल अटैक है, स्ट्रॉमैन फैलेसी। नेक्स्ट, फैलेसी अकर व्हेन मिडल टर्म अपीयर टू बी रीजन बट नॉट ए वैलिड रीजन। इन इंडियन लॉजिक फैलेसी इज कॉल्ड हेतवा भाषा। ये क्वेश्चन आपका उस फैलेसी से आ गया। बिल्कुल सोनी, पॉलिटिकल अटैक, सुधारना चाहते हैं सिस्टम को, क्रिमिनल जो सिस्टम है, तो उन्होंने अटैक किया है कि इसका मतलब आप उनको निकाल देंगे। जी, सो फैलेशियस कब होता है? जब मिडिल टर्म दिखने में लगता है बट एक्चुअली में होता नहीं है वैलिड रीजन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेतवा भाषा। सो वन ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप इट्स इंफॉर्मेटिव एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हेतवा भाषा फैलेसी ऑफ एन इरेगुलर मिडल टर्म, रेगुलर मिडल टर्म जहां पे नहीं होती है, तो वो कौन सी फैलेसी है? इसका आंसर आप लोग करेंगे आफ्टर द सेशन इन द कॉमेंट सेक्शन। ठीक है, जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है सारे, क्योंकि जितने स्टूडेंट प्रेजेंट है वो सारे आंसर नहीं करते हैं। तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करना, जो पहली बार आया है डू सब्सक्राइब द सेम, जो रिकॉर्डेड देखता है वो भी फीडबैक जरूर देके जाना कमेंट्स में। हम मिलेंगे शाम को 7 बजे, आज डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, सो बी देयर, क्योंकि DI 5 क्वेश्चन आते 10 नंबर, और ये टेलीग्राम है सेशन के बाद में, कल वाला फाइल अभी शेयर कर देती हूँ। बाकी कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, कल के मैराथन के लिए रेडी रहिएगा, और मैक्सिमम सपोर्ट करना है मैराथन को। ठीक है, चलिए, ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑफलाइन क्लासेस नहीं होता अभिषेक, हाँ जी, बट ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है तो मिस नहीं करना। बेशक से अपना प्लेलिस्ट बना लीजिए जिसमें अब लेटेस्ट अभी पिछले 4-5 दिन से जो सेशंस हैं ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, बाय बाय।